उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर सियासी गतिविधियां भी तेज होती रही है। हर पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलने और अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। हालांकि इस बार जातीय समीकरणों पर ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा, सपा, बसपा और अन्य क्षेत्रीय दल भी जातिगत हिसाब किताब के इर्द गिर्द अपनी योजना का ताना बाना बुन रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस सिलसिले में लखनऊ में ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को मुद्दा बनाया गया है। मायावती साल 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने सियासी समीकरणों को सुधारना चाहती हैं। इस सम्मेलन के जरिए वो राज्य के 74 जिलों की जनता के मिजाज को भापने की कोशिश में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि 2017 में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का फॉर्मूला आजमाया था, जिसका परिणाम सत्ता के रूप के सामने आया था। सपा ने इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। उस चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधा था। 86 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, जिसमें से 41 को जीत मिली थी। वहीं हालांकि इस बार अन्य दल भी इस सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अंदरूनी कलह झेल रही कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जून में भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके भाजपा में शामिल होने को पार्टी के मिशन यूपी 2022 की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता हैं और उनको पाले में लाकर भाजपा ब्राह्मणों में संदेश देना चाहती है कि पार्टी उनके साथ है। वहीं भाजपा ने जितिन को इसलिए भी साधा क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के ब्राह्मणों को भाजपा के खिलाफ गोलबंद करने में जुटे थे। उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश में सभी जिलों में ब्राह्मण नेताओं को पत्र भेजकर ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा, उत्पीड़न और हत्याओं के खिलाफ एकजुट होकर सरकार का विरोध करने का आह्वान भी किया था। लेकिन भाजपा में उन्हें अपने साथ मिलाकर न केवल विरोध के रास्ते को बंद किया बल्कि ब्राह्मणों के साथ होने का संदेश भी दिया। वहीं अखिलेश यादव का ब्राह्मण सम्मेलन जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए सम्मेलन आयोजित किया था। यूपी के बलिया जिले से शुरू हुए इस सम्मेलन में पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं मायावती का प्रबुद्ध सम्मेलन या चुनावी दाव, मायावती 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आई। इस सम्मेलन के जरिए वह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी का एजेंडा पेश करती हुई दिखाई दी थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मायावती के सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी कह चुके हैं कि यदि प्रदेश के 13% ब्राह्मण और 23% दलित भाईचारा कामयाब कर ले तो राज्य में बसपा की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यूपी में ब्राह्मण पर फोकस क्यों हो रहा है? बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 13% के करीब मानी जाती है। 1990 तक सूबे की सत्ता पर ब्राह्मणों का राज हुआ करता था, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद समीकरण तेजी से बदलने लगे और ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रह गया। लेकिन पूर्वांचल से लेकर अवध और रुहेलखंड तक आज भी कई सीटों पर इस फैक्टर का प्रभाव काम करता है। हार और जीत ब्राह्मणों के मिजाज से तय होती है। ऐसे में बसपा से लेकर बीएसपी तक इस वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। 2017 के चुनावों में ब्राह्मणों की पसंद बीजेपी, उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का आशीर्वाद बीजेपी को मिला था। प्रदेश के कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिसमें से बीजेपी के 46 विधायक थे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति बड़ा फैक्टर माना जाता है। कई क्षेत्रीय दल भी फैक्टर के भरोसे सालों से अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में यह जान लेना भी जरूरी है कि किस जाति वर्ग के कितने वोट हैं।
वहीं ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से वस्तुतः इनकार करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा था कि उनकी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी और चुनावों के लिए किसी बड़े दल से हाथ मिलाने के बारे में विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 23 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बसपा और सपा की सरकारें लोगों के भरोसे पर खरा उतरने में नाकाम रही और कांग्रेस राज्य में वापसी करने के लिए तैयार है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अजय कुमार लल्लू ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की नजरों में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में भाजपा को चुनौती देने वाली मुख्य पार्टी कांग्रेस ही है। प्रदेश के लोगों ने भरोसा जताया है कि पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी और अगली सरकार का गठन करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी प्रियंका गांधी की देख रेख में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वह राज्य की प्रभारी महासचिव हैं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इस मुद्दे पर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए गठबंधनों पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछे जाने पर सपा और बसपा के साथ गठबंधन की किसी संभावना पर लल्लू ने कहा है कि गठबंधनों पर कांग्रेस का रुख साफ है, हम केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, हम फिर से बड़े दलों के साथ गठबंधन करने के बारे में विचार नहीं करेंगे। पिछले 32 वर्षों में गैर कांग्रेसी सरकारों के कुशासन की बात करें तो कांग्रेस की पुस्तिका को लेकर सपा और बसपा की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि गरीबों, किसानों, युवाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। वहीं बता दें कि लल्लू ने कहा है कि हम मजबूत विपक्ष के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। साथ ही कहा है कि तब गठबंधन के विषय पर छोटे दलों के साथ संपर्क में हैं, लेकिन अभी ब्यौरों पर बात नहीं कर सकते हैं। वहीं सपा और बसपा दोनों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया है। सपा के अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी और मायावती ने कहा है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लल्लू ने दावा किया है कि 2022 के चुनावों में सपा को भाजपा को मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी बताना मीडिया के रचना है और असल में कांग्रेस ही भाजपा से मुकाबला करने के लिए मजबूती से खड़ी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPM 9 News के साथ।